सब्सक्राइब कीजिए टीच टिप्स विथ हसीस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे व्हाट्सअप गाइस, आपको फिर से स्वागत है हमारे टीच टिप्स विथ हसीस चैनल में। तो फ्रेंड, अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्च इंजन में कैसे ला सकते हो, यूट्यूब सर्च इंजन में कैसे ला सकते हो, वो भी 2 मिनट में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम। तो फाइनली मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो सबसे पहले आता है मेरा चैनल का नाम टीच टिप्स विद आशीष। तो फ्रेंड, मैं बता देता हूँ, जब मेरे चैनल पे 0 वीडियोस थे और सब्सक्राइबर एक भी नहीं थे तो मैं इस जगह पे सर्च करता था अपना चैनल का नाम तो फिर भी आ जाता था। क्यों आ जाता था तो भाई मैं बता देता हूँ। मैंने कुछ सेटिंग किया, कुछ काम किए जिसके कारण मेरे चैनल फाइनली वन लिस्ट पर आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आता है। तो फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को दबा देना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आप यूसी ब्राउजर्स में जाओ और यूसी ब्राउजर्स में फ्रेंड आपको यहाँ से सर्च कर लेना है यूट्यूब। क्या मैंने यहाँ से सर्च कर लिया है यूट्यूब। और यूट्यूब में सर्च करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। फ्रेंड सॉरी, फ्रेंड लॉग आउट। तो फ्रेंड यूट्यूब में मैं यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको शो होगा क्रिएट स्टूडियोज। तो उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको चैनल्स पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे नीचे 2 दिखाई दे रहा होगा, एडवांस पे भी क्लिक कर देना है। और मेन पॉइंट होता है फ्रेंड, आपको तो पता ही होगा कि चैनल कीवर्ड क्या होता है। चैनल कीवर्ड ये होता है कि अपने चैनल का नाम डाला जाता है, बहुत मतलब ज़्यादा वर्डों में डाला जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि अपने चैनल के आगे हैशटैग लगा दिया, जिसके कारण मेरे चैनल सर्च करने में आता है, हैशटैग लगा के सर्च में आता है मेरा चैनल। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, अपने चैनल के आगे अपना हैशटैग लगा, उसके बाद अपने चैनल का नाम। तो फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हैशटैग टीच टिप्स विद आशीष, फैन टीच टिप्स विद आशीष ऐसे लिखो, कम से कम 26-30 बार लिखो, बिल्कुल आएगा आपका चैनल आपके सर्च इंजन में। और करने के बाद फिर आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। तो सेव करने के बाद ये बताएगा योर चेंज हैव बीन सेव्ड। और इसका दूसरा स्टेप ये है कि फ्रेंड आपको वाई स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। और वाई स्टूडियो में आपको क्लिक करने के बाद फ्रेंड मैं आपको एक कोई सा भी वीडियो लो, जैसे मैं ये ले लिया एक वीडियो। और वीडियो लेने के बाद फ्रेंड बताओ मैंने इसमें क्या किया है कि जिसके कारण मेरा चैनल सर्च इंजन में आता है। तो फ्रेंड मैंने बताओ, आप कमेंट करके बताओ मैंने क्या किया था। भाई मैंने ये किया, अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाला है टीच टिप्स विद आशीष। ऐसे आप अगर डालोगे थंबनेल में डालोगे, थंबनेल में नहीं फ्रेंड टाइटल में डालोगे, डिस्क्रिप्शन में डालोगे, तो फ्रेंड आपका चैनल सर्च इंजन में आएगा। तो फ्रेंड अगर मेरा ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक लाइक तो कर दीजिएगा।